रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब भी जारी है। यूक्रेन में कई भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं जिनकी वापसी अब शुरू हो गई है। रोमानिया के रास्ते से इन सभी को देश वापस लाया जा रहा है। इन सब के बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में यूक्रेन की पुलिस छात्रों को पीटती हुई नजर आ रही है। वहां फंसे छात्रों पर यूक्रेनी पुलिस ने बर्बरता करना शुरू कर दिया है। छात्रों को बेरहमी से पीटा जा रहा है, उन्हें दौड़ाया जा रहा है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यूक्रेन की पुलिस वहां पर छात्रों को किस कदर से पीट रही है। खोला था, यूक्रेनियंस को घेर लिया था और सिर्फ यूक्रेनियंस को अंदर भेज रहे थे। हम लोग ने बाद में काफी प्लीड किया, हमारे साथ हमारे इंडियन बॉयज ने काफी प्लीड करने के बाद उन्होंने सिर्फ इंडियन गर्ल्स को पहले एक्सेप्ट किया और उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने बहुत मारा इंडियन बॉयज को। बॉयज को मारने के बाद दे इवन टॉर्चर्ड बॉयज, और टॉर्चर कैसे किया, जिसको आस्थमा था उसको स्टम्प करके हम सबको दिखाया कि हाउ ही इज ब्रेथलेस। उसके बाद रात को आई थिंक अराउंड 11-12 बजे यहाँ पे आने के बाद जो गार्ड्स थे उन्होंने बाद में लाइन में हम लोग अंदर गए तो अंदर वीजा में देयर इज सम गेम कुछ तो जो आपको खेलना है, हंटर गेम करके, मुझे नहीं पता वो क्या होता है। उधर जाने के बाद वो रॉड लेके खड़े थे, गन लेके खड़े थे और फिर उसके बाद हमें उन्होंने बोला कि दिस इज यू हैव टू प्ले, आपको ये गेम खेलना है उससे वीजा मिलेगा। और जो जो लोग वहाँ पे थे उनको लात से मारा है, हाथ से मारा है, लड़का लड़की कुछ कुछ नहीं दिख रहे यहाँ पे।